ये कोई जो बंगियों बरेलियों का है नहीं, इसका मसला नहीं है, ये वक्त का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम, बताओ?